एक किसानां दे हक च फतवा दिता लोकां ने आके, एक इह सच्चाई दी लड़ाई आ, कोई परसनल लड़ाई नहीं। इस करके सरकारां नूं इह फैसले वापस करने पैणे आ। भाजी टारगेट मुगलां ने घट कीता सी, उन्हां नूं वी तां पहलां पंजाब नूं कीता सी, इह वी करके दे लवे, इहनां नूं वी मूंह दी खाणी पैणी, गल ही कोई नहीं। इह जिहड़ा ना अद्धा चक्की फिरदा, इहनूं जदों आ पूरी आवाम ने टिप्पी बणाता ते आप ही अंत हो जाणा। ठीक है ना, आपां कहणा भरावा लीडर बनना, लीडर दा कदा कुत्ता कोई बने ही ना यार। मैं कहना एक सच्ची गल है, देखो जज वे भाजी बच्चे भी इत्थे बजुर्ग माता लै के आए हैं, बच्चे बजुर्ग भैन तिने चारे पीढ़ियां कट्ठियां हुई हैं भाजी। इधर पूरी आवाम भी तो अड़ी है ना, ये तो हुण मतलब कुंडियां दे सिंग फड़ के हुण निकलू बने में खाणी है ना। ये तो मारा ये साडी फौज वड्डी वड्डी आ। देखो जज वे भाजी बच्चे भी इत्थे बजुर्ग माता लै के आए हैं, बच्चे बजुर्ग भैन तिने चारे पीढ़ियां कट्ठियां हुई हैं भाजी। ठीक है ना, तो ये जज्बा आ, ये किसानों के हक च फतवा दिता लोगों ने आके, एक ये सच्चाई की लड़ाई आ, कोई परसनल लड़ाई नहीं। इस करके सरकारां नूं ये फैसले वापस करने पैने आ। इहो जे अगों भी उन्होंने अकल आजूगी सरकारां नूं भी इहो जे गलत कानून असीं बनाउणे नहीं। संघर्ष तां पूरे देश दा, पर एक पंजाब नूं टारगेट किया जा रहा वा, पंजाब दे उत्ते वख-वख तरह दे जिहड़े आ टैग लाए जा रहे ने, तां तुहानूं की लगता कि ये सारियां कोई साजिश की जा रही है? भाजी टारगेट मुगलां ने घट किया सी, उन्हां नूं वी तां पहलां पंजाब नूं किया सी, ये भी करके दे लवे, इन्हां नूं वी मूंह दी खाणी पैणी है, गल ही कोई नहीं। पंजाबी जदों जदों भाजी जिदा जिदा पंजाबी अगे हुए आ, उदा उदा पंजाबियों नूं इन्हां ने जुल्म किया, तो पंजाबियों ने डट के जुल्म दा टाकरा किया। हुण तां इक नहीं दो कट्ठे हो गए, हरियाणा साहब भी, हरियाणे वाले भी, मध्य प्रदेश आ गया, यूपी भी सारे आ गए। देखो भाजी हौली हौली पूरा मतलब कि 135 करोड़ की आबादी किन्नी वधी है, किन्नी वधी है, आहो इन्नी की होनी है, तो चार मतलब कि 4 करोड़ भी इतने आ गया ना, तो भाजी इन सामने औखे हो जाने, क्योंकि अत खुदा दा वैर आ, अत खुदा दा वैर, तो अत ते अंत, ये जड़ा ना अद्धा चक्की फिरदा, इनू जदों आ पूरी आवाम ने टिप्पी बनाता तो आप ही अंत हो जाना। तुसीं भी स्टेज तो बोल के आए हो, गरेवाल साहब स्टेज तो बोल के आए ने, लखा सधाणा ते दीप सिद्धू बारे गल्लां कीतियां जा रहियां कि उन्हां नूं स्टेज ते बोलन दित्ता जांदा, हालांकि जिहड़ा लंबा संघर्ष उन्हां ने भी लड़िया, नौजवानी नूं नाल लै के तुरे ने, तुसीं की कहना चाहोगे किसान जथेबंदियां नूं बोलन दित्ता जाणा चाहीदा उन्हां नूं कि नहीं? देख बाबा मैं हजे परसों चौथ ही आया इंग्लैंड तों, मैनूं इह झंझट चिड़दा ऐसा नहीं पता, मैं हैगा बलुंदर रह जा, मेरा दिल कीता मैं इत्थे आवां ते मैं किसानां दे जाके हक च फतवा देवां। ठीक है ना, आपां कहणा भरावा लीडर बनना, लीडर दा कदा कुत्ता कोई बने ही ना यार। मैं कहना एक सच्ची गल आ, ते आपां लीडर नहीं बनना, आपां हैगे इंसानियत नूं प्यार करन वाले। इस करके मैं लीडरां नूं एक बेनती करदा भी तुसीं वधिया काम करो, लोकां दे हक्कां दी राखी लई तुसीं चुने जांदे आ, उन्हां दे हक दे विच कानून बनाओ, ना कि उन्हां दे बाहर कानून बनाओ। नौजवानां नूं की अपील करो? नौजवानां नूं मैं अपील ये करना चाहुंदा, नौजवानां नूं बहुत सोझी आ, ओह अवेयरनैस आ, नौजवान ये मत सोचण कि ये समझदार नहीं, क्यों अज पहला भाजी 15 साल होर तरह के नौजवान से, अज भाजी एक नौजवान जानकारी रखता पूरी। ट्रैक्टर तो ट्विटर दे हो गए? हाँ भाजी वो तो है ही है, ट्रैक्टर तो ट्विटर दे लो भाजी, कि बछारा दे मूँह मोड़ते, ये नौजवानों ने मोड़े आ, बजुर्गों ने थोड़ी मोड़े, बजुर्गों का हौसला, बजुर्गों का आशीर्वाद। इस करके लीडरां नूं चाहीदा हाथ जोड़ के बेनती है भाई, ये कानून काले वापस लो, तो लोगों पूरे आवाम सुख शांति रहन दो। मैं तो ये अपील करदा, हजे भी सरकार अगे बेनती है साड़ी, बेनती कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले दस मैं आतंकदा का वैर हों, लिमिटेशन होंदियां, लिमिटेशन होंगी ना, हर काम की लिमिट होंगी है, कि लिमिट होगी। इस करके कल वाली मीटिंग के कोई सट्टा निकलेगा?